नमस्कार डियर मित्रों, प्रिय स्टूडेंटो, आज हम भगवद गीता के बारे में विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, भगवद गीता एक ज्ञान का भंडार है, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा कि जब कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध होने जा रहा था, तो अर्जुन अपनी सेना को देखकर या फिर कौरव की सेना को देखकर जो कमजोर पड़ गया था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो देखिए, गीता है वो ज्ञान का अत्यंत भंडार है, परंतु हम उसके बारे में पांच इम्पोर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमको भगवद गीता से सीखने को मिलती है। तो देखिए, पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अध्याय में कहा था कि हे अर्जुन, ये मानव शरीर है, ये 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है, अतः इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। अर्थात जो मानव जीवन है वो बहुत ही सौभाग्य के साथ के कारण मिलता है, तो इसको यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, मानव जीवन की कामना तो पशु जानवर सब ही करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मानव जीवन है उसको व्यर्थ अपने गंवाना नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक है। दूसरी बात है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो हमारा मन है ये एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है, ये इंसान को गलत रास्ते पर भी लेकर जाता है और सही रास्ते पर भी यही लेकर जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा हमको हमारे मन का वश में रखना चाहिए, मन को कभी भी वश से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम मन के गुलाम हो जाते हैं तो मन हमको भटकाता रहता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि हमेशा हमको हमारे मन पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात भगवान कृष्ण ने जो कही थी वो यही थी कि इंसान को हमेशा कर्म फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने कि हमको कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में होता है, फल की इच्छा करना मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, ये तो भगवान के हाथ में होता है। ठीक है, चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि इंसान को हमेशा सुख और दुख में संभावी बनकर जीना चाहिए। ठीक है, ना ही उसको सुख में ज्यादा डूबना चाहिए, ना ही गम में ज्यादा रोना चाहिए। जो मनुष्य होता है वो हमेशा सुख दुख में समान भाव से चलता है। ठीक है, ये चौथी इसकी बात।